जो हमने ये स्कीम आई थी AY की, आज हमको 8 साल हो गए, हमको कुछ मिला नहीं। हमने इसकी खुशी में थे, आज 8 साल हो गए हम इसको, लेकिन वेट करते करते हमको कुछ मिला नहीं है। 2013 में उसने हमसे फार्म ली थी, उसके बाद आज ये 7-8 साल हो गए। तो ऐसे ही कभी बोलता है आज ये हुआ, कभी बोलता है वो फार्म वहाँ चली गई, कभी बोलता है आपकी फार्म मैंने भरी थी वो मिली नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इज अ सोशल वेलफेयर स्कीम विच वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल दोज पीपल हु आर लिविंग इन रूरल रीजन्स आर हिली रीजन्स। वी हैव विजिटेड सो मेनी रीजन्स इन कश्मीर हु आर फीलिंग that this scheme is not working for them all। जब से ये IY की स्कीम आई थी ना, तो हमें ये लगा था कि इससे हमने कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। कम से कम उसे लिया 10-15 हज़ार भी लिया इससे नकद, बोला कि मैं आपका जो ये केस है ये बनाऊँगा। फिर उसके बाद अभी तक कुछ नहीं यार, कम से कम चार महीने इसमें लगते हैं। लेकिन जब हमने ये फार्म भर के देखा तो हमें लगता है नहीं यार, इससे बेहतर है हमें कोठा ही अच्छा सा बनाना। 3-4 बार बनाया यार, 8 बार टूट गया इसका कोठा। कैमरे में सब कुछ आ सकता है, आप देख सकते हो कैसा कोठा है क्या है। जब 4 महीने लगते तो फिर 8 साल इसमें क्यों लगा दिए इन्होंने? 1 महीने की डेट देते हैं, 2 महीने की, साल की डेट देते हैं, फिर आप बेसमेंट डालो मकान का, कुर्सी लगाओ, उसके बाद फ़ोटो उठाएंगे तो देंगे। हमने वो भी किए, कुर्सी भी दी मकान की, तो अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, 5वां साल चल रहा है। एक किस्त हमें मिली जिससे हमने इसकी बुनियाद डाल दी, दूसरी किस्त की आज कल करते रहे 5 साल हो चुके हैं। हमने भी दो साल पहले 3 साल पहले हमने रजिस्ट्रेशन किया इनका, जियो टेक ने हमने किया, तो 180 लोगों का। तो बदकिस्मती की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना है कि हमारे उन लोगों को मिला नहीं है, को मकान बनाने के लिए उनको ये पैसे मिले नहीं है, तो वो लोग बेचारे परेशान हैं। आप देखो मेरे कोठे की हालात क्या है, देखो है कुछ नहीं है, खुले आसमान की ताले हम बैठे, लेकिन किसी को कुछ परवाह है नहीं है, गरीबों के लिए कोई मदद के लिए तैयार नहीं। Since the inception of the scheme, people living in rural regions said that the majority of the people who have applied for the scheme have not received any sort of assistance from the authorities so that they can construct their houses. This scheme was launched with the commitment Housing for All by 2022. The question here arises whether this commitment will be fulfilled by the end of 2022, which is not far from us. By seeing the ground situation, the commitment seems to remain unfulfilled if the situation goes like this।